हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोकेमॉन हार्ट गोल्ड की एक और नई वीडियो में भाई। और पिछली वीडियो में जैसे तुमको पता ही होगा भाई, हम लोगों ने किमोनो गर्ल से लड़ाई की थी, उसे हराया था हम लोगों ने। हमें मिला था एक मास्टर बॉल प्रोफेसर इल्म से, और किमोनो गर्ल ने भाई यहाँ से भाग गई थी और कह रही थी कि भाई बेल टावर में जल्दी चलो, वहाँ पर एक पोकेमॉन की शेडो दिख रही है अपने को। तो हम लोग भी जाने वाले हैं बेल टावर में, लेकिन बेल टावर में कुछ पोकेमॉन भी अपीयर हो सकते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर पहले पोकेमार्ट में जा करके ना कुछ वो खरीदूँगा, पहले रेपल, क्योंकि भाई मेरे पास रेपल केवल एक ही दो है, तो कहाँ गया मार्ट, ये रहा। चलते भाई खरीदते हैं रेपल यहाँ से, फिर निकलते हैं। और मोम के चमचे क्या हाल है? तो भाई ये क्या देगा अपने को? रिंडो बेरीज। चलो भाई ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और यार मेरी आवाज़ आई होप आप लोगों को सही आ रही होगी, अगर फिर भी कुछ सही नहीं आ रही तो बता देना भाई, क्योंकि अब पहले से मैं ठीक हूँ, है ना। हाँ सुपर रेपल लेते हैं भाई, रेपल की ज़रूरत, मतलब रेपल तो भाई ठीक है, कम से कम मैं तो 15 रख लूँगा भाई अपने पास, पैसे तो बहुत है भाई। किमोनो गर्ल से, किमोनो गर्ल को मतलब हरा हरा के हम लोगों ने बहुत पैसे जीत लिए थे। एक अकेले किमोनो गर्ल ने अपने को शायद 4,500 पोके कॉइंस दिए थे ना, तो बाकी उसकी ज़रूरत है नहीं, अपने पास मास्टर बॉल है ही। तो भाई चलते हैं बेल टावर, हम लोग एक बार गए थे लेकिन अपने को जाने को नहीं मिला था क्योंकि अपने पास रेनबो विंग नहीं थी। फिलहाल अपने पास रेनबो विंग भी है और किमोनो गर्ल से इजाज़त भी मिल गई अपने को जाने की अंदर, तो चलते हैं भाई। ओ चाचा हटो यहाँ से। पास्ट हेयर इन द बेल टावर, दिस टावर वॉज बिल्ड एन ए प्लेस ऑफ रेस्ट फॉर हो ओ द लेजेंडरी फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन। तो भाई हो ओ आज आने वाला है हमारे सामने। सिंस हो ओ लेफ्ट, मेनी पीपल हैव गोन अप टू द टावर टू ट्राई टू ब्रिंग इट बैक, बट नन हैव सक्सीड इन मेकिंग हो ओ अपीयर। तो बहुत से लोगों ने ट्राई किया है कि हो ओ को बुलाने के लिए, कोई भी बुला नहीं पाया अभी तक। तो भाई इनको बैज दिखा दिया हम लोगों ने मॉर्टी वाला। चलो चाचा हट जाओ सामने से, जल्दी भाई चलते, मेरा देर की हम लोग। और ओ ओ हम आ रहे हैं तुझे पकड़ने। और भाई काफ़ी लोग कह रहे थे कि तेरी ईवी कहाँ गए भाई, ईवी को लेके आओ। यार ईवी को ना मैंने ना कितना मस्त सीन है भाई, सच बता रहा हूँ। ईवी को मैंने डे केयर में डाल दिया और अभी मैं उसको अपनी पार्टी में नहीं रखने वाला, ठीक है। उसको हम लोग अपनी पार्टी में रखेंगे बट अभी नहीं, बाद में रखूँगा। अभी मैं उसको डे केयर में रहने दो, अपना अच्छे से ट्रेन हो जाएगा वो और इवॉल्व करेंगे उसको, डोंट वरी यार। तुम लोगों ने कहा था सूठे बेल जो है उसको दे देना चाहिए, वैसे बेल टावर कमाल का है ये। और चलते हैं भाई, ये भाई एक और मॉन्क है। दैट थिंग्स यू हैव, ये देखो भाई रेनबो विंग्स, वाओ क्या ग्लो कर रहा है। यू हैव डन इट, प्लीज़ कम थ्रो। तुम लोग चलते भाई अंदर, अंकल जी हटो तो सामने से। अरे हम किनारे से निकल लेते हैं चलो। और पोकेमॉन अपीयर होगा तभी मैं रेपल लगाऊंगा, अभी देखते हैं पोकेमॉन अपीयर होता है कि नहीं। अबे बेल्ट और बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ऊंचा है, तो थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा। ओ पोकेमॉन पक्का अपीयर होंगे उसका मतलब है। और यहाँ अपीयर होता है रटाटा, जिसकी अपने को ज़रूरत भी नहीं है। मेरा कहाँ गया भाई? ये रहा सुपर वेल 15 अपने पास है, अपने पास रेपल भी है लेकिन एक ही दो है, तो निकलते हैं इधर से फिलहाल हम लोग। और रास्ता यहीं कहीं होना चाहिए, यहाँ पर हम लोग साइकिल नहीं चला सकते क्या भाई? यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब जगह हैं जिधर से अपने को जाना पड़ेगा। हम लोग भाई यहाँ पे आए हैं तो सब बॉल और लेके ही जाएंगे आज, है ना। एंड भाई एक बार और, काफ़ी लोग कह रहे थे भाई कि मिस ड्रेवियस को अपने इवॉल्व करो, तो अपने को पहले डस्क स्टोन शायद मेरे ख्याल से लगता है तुम लोगों ने बताया था, तो वो अपने को ढूंढना पड़ेगा पहले कहीं से, उसके बाद हम लोग मिस ड्रेवियस को इवॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब मेरी टीम जो आगे जाएगी ना खतरनाक होने वाली, मैं नॉक टाउल को हटाने वाला हूँ जल्द से। अब मॉम का फ़ोन आ रहा, पता है अपने को भाई कि भाई मॉम तो अपने को वही कहेंगे भाई पार्सल ले लो, ले लिया हम लोगों ने मॉम, डोंट वरी। एंड भाई यहाँ पे काफ़ी जुगाड़ लगाना पड़ेगा क्या भाई, अगर इधर चलें इधर चलें इधर, मे बी मैं सही जा रहा हूँ, वहाँ पे एक सीढ़ियाँ और है। यहाँ पे भाई फंस जाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी कभी कभार निकलने में, अगर फंस जाओ एक बार तो। चलो भाई यहाँ तो पहुँच गए थे हम लोग, इसके बाद देखें किधर जाना है। हाँ इसके बाद काफ़ी रास्ते हैं अलग अलग टाइप के, हम लोग सर इधर से कूद के गए थे ना अपने को, इसका मतलब इधर नहीं जाना, फिर हम लोग इधर से ट्राई करते हैं एक बार। और इधर देन इधर देन इधर, यहाँ पे भी दो रास्ते दिख रहे हैं अपने को, अगर मैं इधर से जाऊँ तो। भाई यहीं सही है, सही 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 पहुँच गए हम लोग, यहाँ पे एक सीढ़ी है भाई, बहुत टाइम लग गया भाई इसी में यार। यहाँ पे एक बॉल है, चलो भाई मैक्स पोर्शन, और हो उस लड़ने मज़ा आएगा भाई, पहले उसको मैं लड़ूंगा फिर उसके बाद पकड़ूंगा। वैसे अपने पास मास्टर बॉल तो है ही, यहाँ पे काफ़ी सारे अजीबो करीब से यहाँ पे बिछे हुए हैं, वहाँ पे एक बॉल, इसको ले लेते जल्दी से हम लोग।
तो ले लिया भाई हो। भाई हो ओ को पकड़ने के बाद जो हम लोग ना वहाँ पे जाएंगे पोकेमोन लीग की तरफ बढ़ते हुए अपना आगे, है ना। तो भाई जल्दी से इस गेम को एंड करें, वैसे एंड जल्दी भी होगा नहीं, इसका भी एंड काफ़ी दूर है, क्योंकि तो भाई अपने को शायद सेकंड टाइम फिर से एक बार जाके करना पड़ता है, तो यहीं से ऊपर जाना है। भाई यहाँ पे काफ़ी अजीब व गरीब सी चीज़ें हैं। वेल मैं इस पर क्या होगा, ओ भाई हम लोग लगा टेलीपोर्ट हो जाएंगे इधर उधर। देखते हैं यहाँ से कोई रास्ता है क्या भाई। ओ यहाँ आ गए हम लोग, यहाँ से अगर हम लोग इधर जाएं तो यहाँ पे देखते हैं भाई कहाँ जाएंगे हम लोग अपनी। भाई यहाँ पे कुछ है, हम लोग लग रहा है सही रास्ते नहीं आए हैं, क्योंकि भाई इसके आगे रास्ता अपने को दिख नहीं रहा कोई, तो हम लोग इसका मतलब गलत रास्ते आए हैं, हम लोग को वापस जाना पड़ेगा और जहाँ से आए थे वहीं चलते हैं वापस। मेरे को यार पहले अपने को ना वैसे चलना चाहिए, डायरेक्टली नहीं आना चाहिए यहाँ पे, है ना। चलो चलो भाई कोई बात नहीं, उल्टा आ गए थे हम लोग, अब इधर चलते। पहले पहले बॉल ले लेता हूँ भाई, काफ़ी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे आइटम, जैसे मैक्स रिवाइव, मैक्स पोशन, बहुत चीज़ मिला अपने को। और यहाँ पे भी एक है, इस पर चढ़ के देखते हैं भाई, यहाँ पे हम लोग भी आए नहीं हैं, ये अपने को यहाँ ले गया, ये अलग जगह लेके आया अपने को, तो मे बी मुझे यहाँ पे चढ़ना चाहिए कि नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई। बंद है, चढ़ना ही पड़ेगा इसका मतलब। भाई रेपल बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा है, अब तो 4 रेपल ख़त्म हो गया, लेकिन कोई नहीं, अपने पास अभी 10 और बचे हुए हैं, और इस पे खड़े होकर चलते हैं। काफ़ी उलझा हुआ रास्ता है, एंड एंड यहाँ पे भी मेरे ख्याल से जाना पड़ेगा अपने को। आज वीडियो मैं छोटी रखना चाहता था भाई, क्योंकि मुझे आयश ग्रेवी बनानी थी वीडियो, लेकिन यार लग नहीं रहा छोटी होगी। यार एक तो भाई यहाँ पे इतने सारे वो टेलीपोर्ट वाले इन लोगों ने बना के रखे हैं कि जिस पे क्लिक करो टेलीपोर्ट हो जाओगे इधर उधर। इस पे फिर से चलते हैं, देखते हैं कहाँ जाएंगे अब की हम लोग। अब की यहाँ पे आ गए, यहाँ पे एक सीढ़ी भी है, अगर इस बार सही आए थोड़ा सा हम लोग। हाँ भाई ये देखो भाई, यहाँ पे एक पटरा बिछा हुआ है, मतलब यही यहाँ पे कौन चढ़ पाएगा भाई, पटरा तरीके का बिछाया गया है और मस्त लग रहा है भाई ये। इसके ऊपर भी एक सीढ़ी है, यहाँ चढ़ते हैं। वो किमोनो गर्ल बेल्ट टावर, यही हम लोग पहुँचे सबसे ऊंचाई पर। किमोनो गर्ल से बात करते हैं, जुकी कह रही है यस दिस इज वेयर वी वेलकम हो ओ, यहीं पे वेलकम करने वाली हो ओ का इन लोग। व्हेन द डांस वी पार्टी प्रैक्टिस्ड फॉर मेनी डेज बिकम्स वन विद द साउंड ऑफ द क्लियर बेल वी इंटरेस्टेड टू यू देन हो शाल कम डाउन फ्रॉम द ग्रेट आर्क ऑफ द स्काई वंस अगेन। तो भाई अपने को इन लोगों ने क्लियर बेल दिया था, उसको इन लोग डांस करेंगे और उसको बजाया जाएगा क्लियर बेल को, तो शायद हो मतलब उतर के आएगा आसमान से नीचे, तो देखते हैं क्या होता है भाई। यही एक क्लियर बेल है, और भाई डांस देखो, बस खाली डांस देखो, मस्त मस्त तुम लोग, बहुत मस्त सीन लगता है, सच बता रहा हूँ भाई ये मुझे। ये देखो भाई पत्तियाँ एकदम से, हाँ। और डांस की मोनो गर्ल्स हैं यहाँ पे, 5 की 5 डांस कर रही हैं सब। बताओ यार पोकेमोन को बुलाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, अलग अलग रिवाज है यहाँ पे, और जल्दी आएगा मेरे ख्याल से। सीन कमाल का है, ओ पहुंच गई लग रहा है, उसके उसके पास तक आवाज पहुंच गया, आ गया भाई, ओ लेजेंडरी बर्ड आ जा तू। ओ भाई उतर रहा है नीचे भाई, ये तो इतना बड़ा है भाई, इतना बड़ा पोकेमोन है यार, इसको पकड़ने का अलग ही मजा आएगा। ओ भाई बहुत गुस्से में लग रहा है क्या ये, दिस इज इंडीड हो ओ द गार्जियन गार्डियन ऑफ द स्काई अराउंड हेयर फ्रॉम एंशियंट टाइम। तो पुराने समय से भाई यहाँ का गार्डियन है इस मतलब आसमान का। सो मेनी हैव ट्राइड एंड ट्राइड ओनली टू फेल, बहुत लोगों ने ट्राई किया इसको बुलाने का लेकिन सब फेल हो गए। सो मी योर हार्ट एंड द क्लियर बेल इन हारमोनी हैव फाइनली मेड इट अपियर। तो भाई हम लोगों की भरोसा और क्लियर बेल की वजह से भाई वापस आ गए फिर से एक बार। सो मी डोंट यू सी हो ओ मस्ट हैव बीन वेटिंग फॉर समवन लाइक यू ऑल दिस टाइम।
हो भाई, हमारे जैसे किसी का इंतजार कर रहा था कभी आने का। वुडेंट यू एग्री? भाई बात करते भाई, हो से एक किनारे हो गई ये लड़की। ए क्या हुआ? दिस इज ऑल वी कैन डू फॉर यू, व्हाट यू डू नाउ इज इंटायरली अप टू यू। तब भाई सब अपने को ही करना है। हो, क्या मस्त सीन है भाई। इसमें मुझे फ़ोटो भी जानी थी एक भाई, लेकिन फ़ोटो वाला है ही नहीं, पता नहीं कहाँ भाग गया भाई, हमेशा यहीं खड़ा रहता है। तो ओ भाई, ओ आ गया भाई। ओ लेवल 45 का ये। भाई इसको हम लोग फेंट नहीं करने वाले, इसको मैं पकड़ना है मुझे, तो मैं यूज करूँगा यहाँ पे फ्लेम थ्रोवर सबसे पहले अपना। वैसे ये भी भाई फायर एंड फ्लाइंग ही होगा, तो ज़्यादा मेरे ख्याल से इससे फायर अटैक काम करेंगे नहीं, नहीं कर रहे हैं काम। सनी डे यूज कर रहा है वो, ये भी अपने काम नहीं करने वाला, लेकिन सनलाइट स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, और सनलाइट में भाई हो की ताकत और भी बढ़ जाती है। तो लव अपलम यूज करते हैं यहाँ पे, देखते हैं कुछ काम करेगा कि नहीं। मैं किसी और पकवान को लड़वाना नहीं चाहता भाई, जैसे कि गैराडोस को, वरना भाई ये फेंट हो जाएगा, और मुझे इसे पकड़ना है भाई। वो भी कुछ यूज कर रहा है, खतरनाक मूव इसके पास है। ओ यार कौन सा मूव है? फायर ब्लास्ट भाई साहब। अरे अरे अरे, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा भाई रुक जा भाई, इसको पकड़ते हैं भाई, मुझे और इंतजार नहीं हो रहा। मास्टर बॉल यूज करते हैं अपना भाई, अपने को मिला मास्टर बॉल, मैं उसको इसी को पकड़ूंगा उससे। एंड पोके बॉल्स, मेरे पास एक मास्टर बॉल है, ये अल्ट्रा बॉल में आने वाला नहीं है मुझे पता है, तो मास्टर बॉल यूज करते जा रहे हैं। अल्ट्रा बॉल में से पकड़ सकते हैं अगर हम लोग चाहें बहुत कोशिश करने के बाद, बट मैं डायरेक्ट मास्टर बॉल यूज करता हूँ भाई, टाइम वेस्ट ना करते ज़्यादा। तो मास्टर बॉल गो, एंड आजा भाई। हो यस यार, पकड़ लिया हम लोगों ने हो को। चलो भाई, हो भी अपने पीसी में चला गया होगा। फायर एंड फ्लाइंग टाइप कहा था ना मैंने, रेनबो पोकेमोन है। ओ भाई साहब, इसका नाम नहीं देना मुझे कुछ भाई, पीसी में चला गया, इसको मुझे पीसी से निकालना पड़ेगा। बात कर इनसे जरा। यू हैव नॉट ओनली मेड हो अपियर, बट यू हैव ऑल्सो कॉट इट। हाँ, यू आर सो वंडरफुल, देयर इज नथिंग मोर फॉर अस टू से, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ इन योर जर्नी। हाँ, हम लोग अपना ध्यान रखेंगे, और हो का भी। यू हैव डन ए ग्रेट जॉब, से हेलो टू प्रोफेसर इल्म फ्रॉम अस फॉर अस। प्रोफेसर इल्म को हेलो कर देंगे, डोंट वरी, इनसे ही बात करते हैं जरा। यू हैव डन ए ग्रेट जॉब, से हेलो टू प्रोफेसर इल्म। ये भी वही बोल रही है यार, अगर बाकी लड़के भी वही बोलेंगे क्या? जरा बात करते हैं इससे भी, वही बोल रही है भी, और बात ही कर लेते भाई, इससे भी आ ही गए हैं तो सब वही बोल रहे हैं भाई। हम लोगों ने बेल टावर से ओ का पकड़ लिया है, और उसको हम लोग अभी जाके देखने वाले हैं। तो भाई चलते हैं नीचे, बाय बाय, और नीचे उतरते हैं भाई। और भाई नीचे उतरने में बहुत टाइम लगेगा, तो मैं यहाँ पे यूज करूँगा अपना इस्केप रोप। कहाँ गया भाई इस्केप रोप अपना? इसी में तो था ना, बैक करते हैं, ये यूज करते हैं भाई, यहाँ से उतरते जल्दी नीचे। और चलो भाई नीचे आ गए हम लोग, सबसे डायरेक्टली नीचे आ गए हम लोग। मॉम का फिर से फ़ोन आ रहा है, मॉम पता है अपने को, हेलो हो आई सोमी, हाउ आर यू। हाँ ठीक है, पता है पता है, डिलीवरी मैन डिलीवरी मैन, आपका चमचा यहीं खड़ा है, उससे हम लोग को लेना है जा करके। ठीक है समझ गए मॉम। एंड वेट अ सेकेंड, जरा यहाँ पे कुछ अंकल जिनसे बात भी कर लेते हैं, आ ही गए हैं तो। सच अ यंग वन टू टेक ऑन हो, ओ अपनी तारीफ हो रही है यहाँ पर तो। और इसी बात करते हैं, द रेनबो ह्यूज पोकेमॉन फ्लाइंग ग्रेसफुल्ली ओवर द टावर, द सिल्वरी स्पार्कलिंग पोकेमॉन रेस्टिंग जेंटली अपॉन द विलिंग सी बेड, ऑल ऑफ दिस इज फार बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। चलो भाई रेपल खत्म हो गया, कोई बात नहीं, और हम लोगों ने पकड़ लिया भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, हम लोगों ने पकड़ लिया हो को। अब भाई इसे मैं अपने टीम में रखूँगा, सबसे पहले मैंने ही पकड़ा है आपकी, क्योंकि भाई बाकी मेरे दोनों चैलेंजर्स ने, ये क्या हुआ भाई, बाकी मेरे जो दोनों चैलेंजर्स हैं उन लोगों ने भाई अपना अपना एक लेजेंडरी पकड़ लिया जल्दी जल्दी में। एक ने एंटेई को पकड़ लिया, एक ने रायको को पकड़ लिया, और सुईकुन अपने को अभी मिलने वाला है नहीं, तो मैं अपने टीम में रखूँगा हो ओ को। बाकी तुम लोग बताना भाई मुझे हो ओ को रखना चाहिए कि नहीं, मैं तो अभी रखने वाला हूँ। बाकी तुम लोग जैसा कमेंट करोगे उसके आगे हम लोग देखेंगे। तो मैं भाई पोकेमॉन को निकालने वाला हूँ, नॉक टाउन को। अब मैं क्यों निकाल रहा हूँ, काफ़ी लोग गुस्सा भी हो सकते हैं, उसका रीज़न मैं बता देता हूँ तुम लोगों को। सबसे पहले तो एक सेकेंड डिपॉजिट करते हैं नॉक टाउन, बाय बाय भाई, बाद में मिलेंगे हम लोग। बॉक्स टू में डाल देते हैं, और विड्रॉ करते जल्दी से हम लोग ओ को।
ओ आ गया नॉट ऑल की जगह। ये भी फ्लाइंग टाइप है तो भाई ज़्यादा दिक्कत अपने को होने वाली है नहीं कोई, है ना। तो भाई मैंने नॉकटॉल को इसलिए हटाई क्योंकि भाई नॉकटॉल जो है अपना ना थोड़ा कमज़ोर है वो, मतलब वो फाइटिंग की स्किल उसके अंदर उतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। मैंने उसको भाई जब वो नॉकटॉल लेवल 20 का था तो भाई लेवल 6 लेवल 8 तक के पोकेमॉन उसको हरा दिया करते थे जब मैंने ट्रेनिंग कराता था उसका, तो इसलिए मैं उसको बहुत कम यूज करता हूँ मैं नॉकटॉल का, क्योंकि मैं जानता हूँ भाई वो जो बहुत जल्दी फेंट हो जाता है। तो अब मैं ऐसी बुराई नहीं कर रहा भाई नॉकटॉल की कि भाई नॉकटॉल जो है अच्छा पोकेमॉन नहीं है ऐसा वैसा, नहीं यार सबके पोकेमॉन के पास तुमको पता है ना भाई लेवल खाली मैटर नहीं करते, उनके नेचर अलग अलग होते हैं सब पोकेमॉन्स के, तो वो भी मैटर्स करते हैं। और भाई देखो हो कितना बड़ा पोकेमॉन यहाँ पे अपने सामने पीछे चल रहा है, इतना मस्त लग रहा है सीन। एंड इसको मैं सिखा देता हूँ एक मूव भी जल्दी से, तो थोड़ा जल्दी सिखाते हैं भाई। बैग में मेरे ख्याल से होगा फ्लाई, कहाँ गया फ्लाई मुझे सिखाना है। बाकी तुम लोग बताना भाई मुझे रखना चाहिए कि नहीं हो ओ को, तुम लोग कहोगे तो मैं हटा दूंगा। तो भाई मुझे इसका एक मूव हटाते हैं, ये सनी डे हटा देता हूँ भाई, सनी डे मुझे काम करने लगता कुछ ज़्यादा, तो क्योंकि भाई उसने अपने सामने सनी डे यूज किया था अपने पे कुछ असर हुआ ही नहीं। तो ओ चलते हैं भाई जल्दी से उड़ के हम लोग यहाँ से, और सबसे पहले प्रोफेसर इल्म से मिलते हैं भाई जिसने अपने को मास्टर बॉल दिया था, तो उनको भाई उनको थैंक्स कहना तो बनता ही है। और मैं तुमको लग रहा होगा थोड़ा स्लो खेल रहा हूँ भाई, काफ़ी लोग को लग रहा होगा, लेकिन भाई मुझे बहुत मज़ा भाई हो को पकड़ने में आज, और मैं बहुत आराम से जाना चाहता था आज की वीडियो में। और कल की वीडियो में भाई फिर हम लोग जल्दी जल्दी निकलेंगे, ठीक है। आज की वीडियो थोड़ी छोटी है, छोटी नहीं मेरे ख्याल से 20 मिनट की तो होगी होगी। और हा, गुड जॉब, दैट एग दैट अपीयर टू बी रेयर हैज ब्रॉट यू सो मच ट्रबल, आई गेस द किमोनो गर्ल सेड समथिंग अबाउट मी। हाँ यार इनको कहा है हेलो कहना और क्या। आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद इट, यू मेड अप योर माइंड योर सेल्फ एंड वेंट थ्रू विथ योर डिसीजन, हैविंग अचीव्ड सच ए थिंग यू शुड बी एबल टू टेक ऑन द पोकेमॉन लीग नाउ, यू शुड हेड फॉर द इंडिगो प्लेटियाउ, डू यू नो हाउ टू गेट देयर, फॉलो रूट 27 टू रीच रूट 26, वंस यू गेट देयर यू गो स्ट्रेट नॉर्थ। ओके अपने पहले रूट 27 से रूट 26 में जाना है, और वहाँ से फिर आगे अपने को स्ट्रेट नॉर्थ की तरफ जाना है, तब अपने को मिलेगा, और रूट 26 यहीं पे है आगे ही है, मतलब ये रूट 27 है इधर से, तो हम लोग उससे रूट 26 की तरफ जाएंगे फिर उधर से आगे निकल जाएंगे हम लोग। एंड लास्ट टाइम मॉम को भी एक बार गुड बाय बोल देता हूँ मैं, क्योंकि भाई कल की वीडियो में हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। तो हे मॉम, वेलकम होम, यू आर डूइंग फाइन, आई सी, आई हैव केप्ट योर रूम टिडी एंड क्लीन, और दिस इज अबाउट योर मनी। चलो भाई ठीक है, मॉम को भाई बोल दिया बस हो गया, चलो ठीक है, मॉम ने अपने रूम भी साफ कर दिया था। और लायरा नहीं मिल रही, वरना लायरा को भी बोल देता मैं। तो भाई कल की वीडियो में हम लोग आगे जाएंगे, तब तक के लिए तुम लोग को आई हो वीडियो पसंद आई होगी, अगर तुम्हें कुछ दिक्कत लगी तो भाई वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना अपना ओपिनियन कि मुझे भाई थोड़ा जल्दी खेलना चाहिए, मुझे कुछ पार्ट स्किप मैं कर दूंगा, डोंट वरी हैं। और एम को करते हैं वैसे, तुम लोग बताना भाई अपना ओपिनियन नीचे, और लेजेंडरी बर्ड को मुझे रखना चाहिए अपने साथ कि नहीं। ओके बाय बाय गाइस।